मुझे बैतलहम एप्राता। यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल पर प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जज्जा उत्पन्न ना करे। तब इसराइलियों के बचे हुए भाई उनसे मिलकर लौटकर आ मिलेंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चढ़ाई करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान है। वह शांति का मूल है। Thank you.
ईस्टर परिवार से जिसने क्रिसमस की शाम अपने घर में पार्टी रखी और बड़ी धूमधाम से अपने घर को सजाया और लोगों को बुलाया। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल फरिश्ता जिस तरीके से मरियम ने
दुनिया की और लोगों की परवाह न करते हुए परमेश्वर की योजना को ग्रहण किया। कितने गडरिये थे जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। Thank you.
राजाओं के राजा की उपासना और आराधना करना है। ज्योतिषियों को प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने और उससे मिलने का ऐसा जुनून था, जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पता चला तो वो अपने घरों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए एक लंबे सफर को जाते हैं। ये हमारे केंद्र को भी जो इस बात का प्रतीक था कि जहाँ यीशु का जन्म हुआ है वहाँ उसे ले जा सके। क्रिसमस हमारे लिए मार्गदर्शक है। यीशु जो क्रिसमस का केंद्र है, उसने मनुष्य का रूप धारण किया। वो क्या ही हमको नजारा रहा होगा जब सब यीशु मसीह को भेंट करने आए होंगे। क्या ही बड़े, क्या ही छोटे, क्या ही राजा, क्या ही चलवाहे, सब यीशु को प्रणाम करने आए होंगे। आपने भी कहा था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, इसके बाद यीशु मसीह कहाँ गए और कहाँ रहे? प्रभु का स्वर्ग दूत यूसुफ के सपने में आया और बोला, मरियम और यीशु को लेके इज़राइल की धरती में चला जा। फिर यीशु मसीह बुद्धि में और परमेश्वर और मनुष्य के प्रेम में बढ़ने लगा। उसने मनुष्य का रूप धारण किया था, इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसने बपतिस्मा भी लिया। क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह को। जन्म लिया। आइए